तो गाइस कुछ दिन से मैंने नो टॉप अप कलेक्शन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि फ्री फायर के अंदर ज्यादा टॉप अप करना अच्छा नहीं है। अब एक दिन मैं ऐसे खाली बैठा था तो मैंने सोचा चलो कमेंट पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कमेंट बॉक्स खोला तो पता है वहां पर सबसे ज्यादा कमेंट किस चीज के थे? अगर तुम्हें लग रहा है कि नो टॉप अप या फिर ड्रेस के होंगे तो भाई तुम लोग गलत हो। वहां पर सबसे ज्यादा कमेंट ये थे, वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस डूड, आपके पेरेंट्स की उम्र कितनी होनी चाहिए, एक लाइक इज इक्वल टू वन ईयर। मैं भी तो देखो कौन से सुंदर आके मेरे कमेंट को पढ़ रही है और मेरे कमेंट को लाइक करेंगे। तो भाई सालों की मेहनत के बाद इतने ढेर सारे कमेंट छोड़ने के बाद फाइनली मुझे एक इंसान का कमेंट मिला और वो बंदा मुझे बोला था चलो भाई तुम्हारी बात मान के हम लोग टॉप अप करना तो छोड़ देंगे लेकिन अगर हम लोग टॉप अप नहीं करेंगे तो हमारे पास अच्छे ड्रेस नहीं होंगे और हर बंदा हमें नूब बोलेगा और जो बंदे टॉप अप नहीं कर पाते हैं तो भाई उनको तो हर बंदा नूब बोलता ही है, इसका कुछ सॉल्यूशन बताओ। तो फिर मैंने भी सोचा हाँ भाई बंदा बात तो सही कर रहा है, इसलिए गाइस स्पेशली आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कि फ्री फायर के टॉप 5 फ्री ड्रेस कॉम्बिनेशन जिसको फ्री फायर का हर एक बंदा लगाकर खेल सकता है चाहे वो बंदा फ्री फायर में बिल्कुल भी टॉप अप नहीं करता। और आज मैं आपको सारी ड्रेसेस दिखाऊंगा वो आपको फ्री फायर में बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएंगी और उससे मैं इतने अच्छे अच्छे ड्रेस कॉम्बिनेशन बनाऊंगा ना जिसको देखकर टॉप अप वाले प्लेयर भी जल जाएंगे और उसके बाद में आपका ड्रेस देखकर तो एटलीस्ट आपको कोई नूब नहीं बोलेगा और फिर ना ही आपको कोई ग्रुप से किक करेगा। और देखो मैं आपको दोबारा समझा दूं, ड्रेस से कोई भी बंदा प्रो नहीं बनता है, प्रो आप लोग बनते हो अपने गेम प्ले से। लेकिन यार ये बात मैं भी जानता हूं, अगर आपका बिना गेम प्ले देखे कोई बंदा आपको सिर्फ आपकी ड्रेस की वजह से नूब बोल दे तो कितना बुरा लगता है और कितना ज्यादा गुस्सा भी आता है। बस इसलिए आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको कोई आपकी ड्रेस की वजह से नूब नहीं बोले। तो चलो फिर मैं आपको ड्रेस कॉम्बिनेशन दिखाता हूं लेकिन यार उससे पहले आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, इसलिए प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दो। और चैनल पे अगर आप लोग नए हो या फिर पहली बार आ रहे हो तो ज्यादा कुछ नहीं बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। तो चलो गाइस अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे ड्रेस कॉम्बिनेशन नंबर 5 के साथ। तो गाइस अभी नंबर 5 पर मैं आपको एक ऐसा ड्रेस कॉम्बिनेशन दिखाने वाला हूं ना जो कि आपके लुक को एकदम खतरनाक बना देगा और वो आपको एक ऐसा प्लेयर दिखाएगा जो कि बहुत ज्यादा रैंक गेम खेलता है। अगर आप लोग भी अपनी रैंक बढ़ाते हो, हीरो पहुंचते हो तो गाइस ये ड्रेस कॉम्बिनेशन आपके लिए है। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले आपको ले लेना है यहां पर जोकर बंडल। गाइस जहां तक मुझे पता है अभी के टाइम में फ्री फायर के 90% प्लेयर्स के पास जोकर बंडल तो जरूर होगा। इसके बाद में गाइस आपको आ जाना है यहां पर शर्ट्स में और गाइस यहां पर शर्ट्स के अंदर मैं आपको एक ऐसी शर्ट दिखाने वाला हूं ना जो कि आपको फ्री में मिलती है लेकिन उसको बहुत सारे बंदे यूज नहीं करते। तो गाइस ये है हीरो जैकेट और हीरोइक की शर्ट। तो गाइस अगर आप लोग एक पुराने प्लेयर हो और आपके पास कोई भी पुराने सीजन की हीरोइक की शर्ट है तो आप लोग उसको जरूर पहनना, लेकिन अगर आप लोग ज्यादा पुराने प्लेयर नहीं हो और आपके पास कोई भी हीरोइक की टी शर्ट या फिर जैकेट है तो उसको आप लोग ट्राई जरूर करना। तो अभी मैं ले रहा हूँ सीजन 17 के सीएस रैंक की हीरोइक की जैकेट जो कि देखने में काफी हद तक टेकवेयर जैकेट की तरह। इसके बाद में गाइस आ जाते हम लोग पैंट में। तो गाइस यहाँ पर आपको कोई भी पैंट चूज कर लेनी है जो कि ब्राउन या फिर किसी डार्क कलर की। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने चूज करी है ये पैंट जो कि गाइस हमें 50 FF टोकन में मिल जाती है। तो अगर आपके पास ये है तो आप लोग ले सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और पैंट है जो कि इस बंडल पर सूट करे तो आप लोग उसको भी लगाकर खेल सकते हो लाइक जैस पैंट या फिर कोई और पैंट। लास्ट में यहाँ पर बचते हैं हमारे शूज। तो गाइस शूज के अंदर तो आप लोग कोई भी व्हाइट कलर के शूज ले सकते हो क्योंकि शूज इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। बस ध्यान रखना आप लोग ज्यादा बड़े शूज यूज मत करना, आप लोग कोई सिंपल से शूज यूज करना। तो गाइस ये चीज एक्यूरेट करने के बाद आप लोग देख सकते हो जो हमारा फाइनल बंडल है उसका लुक कुछ ऐसा आता है और ये वाला जो बंडल है सच में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। गाइस अगर आप लोग ये बंडल लगाकर खेलोगे ना तो आपको दिक्कत कोई भी नहीं बोल पाएगा कि आप लोग नो टॉप अप प्लेयर हो। चलो फिर इसके बाद में हम लोग बढ़ते हमारे अगले ड्रेस कॉम्बिनेशन की ओर जो कि होने वाला है ड्रेस कॉम्बिनेशन नंबर 4। गाइस नंबर 4 पे जो हमारा ड्रेस कॉम्बिनेशन आता है ना ये सच में काफी खतरनाक ड्रेस कॉम्बिनेशन है और इस वाले कॉम्बिनेशन को मैंने खुद यूज करा। गाइस ये वाला ड्रेस कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है यहाँ पर बशीडो वॉरियर बंडल की हेयर्स। तो ये वाला बंडल भी अभी के टाइम में ज्यादा लोगों के पास होगा क्योंकि ये वाला बंडल बहुत बार मिल चुका है मैजिक क्यूब। तो गाइस ये वाले हेयर्स लगाने के बाद आपको आ जाना है ग्लासेस वाले सेक्शन में और गाइस यहाँ पर आपको चूज करनी है कोई सी भी बियर्ड। गाइस अगर आपके पास कोई भी बियर्ड है तो आप लोग उसको यूज कर सकते हो लाइक ये ब्लैक वाली बियर्ड फिर ये व्हाइट वाली बियर्ड। लेकिन अगर आपके पास ये वाली बियर्ड नहीं है तो आप लोग टेंशन मत लो, आपके पास अगर कोई भी अच्छा सा मास्क या फिर ग्लासेस है तो आप लोग उसको भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस आ जाना आपको अपने शर्ट्स के अंदर और गाइस शर्ट के अंदर मैं आपको भी एक बहुत ही खतरनाक शर्ट दिखाने वाला हूं। तो गाइस ये वाला बंडल आप लोग देखो, बंडल शायद गोल्ड रॉयल के अंदर आया था। तो गाइस ये वाला जो बंडल है ना बिल्कुल फ्री में मिला था लेकिन इसकी जैकेट काफी ज्यादा खतरनाक है और ये वाली जैकेट ऑलमोस्ट हर बंडल के ऊपर सूट भी करती है। गाइस ये वाली जैकेट लेने के बाद आपको आ जाना है पैंट के अंदर और गाइस यहां पर आपको कोई भी पैंट चूज कर लेनी है ब्लैक कलर। तो गाइस आपके पास जो भी सबसे अच्छी ब्लैक कलर की पैंट हो ना तो आप लोग यहां पर लगा सकते हो लाइक मेरे पास ब्लैक वाली कोट पैंट की पैंट है तो मैं यहां पर इसको लगा रहा हूं। लेकिन अगर आपके पास जैस पैंट है फिर कोई और ब्लैक कलर की पैंट है तो आप लोग उसको भी इक्विप कर सकते हो। और इसके बाद में गाइस लास्ट में आ जाते हैं हमारे शूज। तो गाइस शूज के अंदर आप लोग कोई भी व्हाइट कलर के शूज सिलेक्ट कर लेना। वैसे तो इस ड्रेस कॉम्बिनेशन के ऊपर ऑलमोस्ट हर शूज बढ़िया लगेंगे लेकिन ट्राई करना यहाँ पर आप लोग व्हाइट या फिर सिर्फ ब्लैक कलर के शूज यूज करना। तो गाइस ये सब चीजें सिलेक्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हो जो हमारा बंडल का फाइनल लुक है वो यहाँ पर कुछ ऐसा आता है। सच में गाइस ये वाला बंडल कस्टम रूम के लिए तो सबसे बेस्ट है क्योंकि इस वाले बंडल के अंदर मूवमेंट स्पीड बहुत बढ़िया आती है क्योंकि ये बंडल काफी पतला है। तो गाइस ये वाले ड्रेस कॉम्बिनेशन को आप लोग 10 में से कितने मार्क्स दोगे आप लोग कमेंट करके बताओ। चलो फिर इसके बाद में हम लोग बढ़ते हमारे ड्रेस कॉम्बिनेशन नंबर 3 की ओर। तो गाइस नंबर 3 पे जो हमारा ड्रेस कॉम्बिनेशन है ना वो सच में मेरा खुद का फेवरेट ड्रेस कॉम्बिनेशन है, इसको आप लोग जरूर देखना। और सच में ये वाला
ड्रेस कॉम्बिनेशन, वन ऑफ द बेस्ट फ्री ड्रेस कॉम्बिनेशन में से एक है। गाइस ये वाले ड्रेस कॉम्बिनेशन के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है हेयर्स में, और हेयर्स में आकर आपको सबसे पहले लेना है देसी गैंगस्टर बंडल जो कि हमारा दिवाली वाला बंडल है। ये वाला बंडल हमें दिवाली पर फ्री में मिला था, तो ये वाला बंडल हर किसी के पास होगा। फिर इसके बाद में गाइस आपको आ जाना है यहाँ पर ग्लासेस के अंदर, और ग्लासेस के अंदर आकर आपको लेना है बीटीएस वाले ग्लासेस। लेकिन अगर आपके पास ये वाले ग्लासेस नहीं है तो कैसे, आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग कोई और से ग्लासेस यूज कर सकते हो, आपके पास कोई ना कोई ग्लासेस तो होंगे। आपको जो भी ग्लासेस सबसे अच्छे लगते हैं आप लोग उसको यूज कर सकते हो। बाय द वे मेरे पास यहाँ पर बीटीएस वाले ग्लासेस हैं तो मैं उनको यूज कर रहा हूँ। इसके बाद में गाइस आपको आ जाना यहाँ पर शर्ट्स के अंदर, और गाइस शर्ट के अंदर आकर आपको एक जैकेट लेनी जो कि हमारी नाइट लाइफ हुडी। तो गाइस ये वाली हुडी कुछ टाइम पहले सभी बंदों को फ्री में मिली थी, तो आपको ये ले लेना। सच में ये वाली हुडी के साथ जो हमारा ड्रेस कॉम्बिनेशन है वो बहुत तगड़ा निकला। तो आप लोग देख सकते हो अभी से जो हमारा ड्रेस कॉम्बिनेशन है वो काफी खतरनाक लग रहा है। लेकिन गाइस अभी आपको यहाँ पर रखना नहीं है, आपको नीचे आकर ले लेनी यहाँ पर ये ब्लैक वाली पैंट। अगर आपके पास कमांडो बंडल वाली पैंट है तो आप लोग इसको ले सकते हो, वरना अगर आपके पास जेस पैंट है तो वो तो और भी अच्छा है। फाइनली शूज के अंदर आपको ले लेना है व्हाइट वाली स्नीकर। ये सभी ड्रेसेस लगाते ही जो आपका ड्रेस कॉम्बिनेशन है वो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप लोग ये वाली ड्रेस लगाकर खेलोगे तो गाइस सच में ये देखकर कोई भी नहीं बोलेगा कि आप लोग कोई नो टॉप अप वाली प्लेयर। चलो फिर इसके बाद में हम लोग पढ़ते हमारे अगले ड्रेस कॉम्बिनेशन की, और जो कि होने वाला ड्रेस कॉम्बिनेशन नंबर 2। तो गाइस नंबर 2 पर भी मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक सा ड्रेस कॉम्बिनेशन दिखाने वाला हूं। तो गाइस ये वाला ड्रेस कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है यहां पर मास्क में, और गाइस मास्क में नीचे आकर आपको लेना है स्कल मास्क बंडल। गाइस अगर आपके पास स्कल मास्क है तो आप लोग उसको ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास स्कल मास्क नहीं है तो आप लोग ले सकते हो इंक्यूबेटर वाले बनी का बंडल। तो गाइस आप लोग याद होगा कुछ टाइम पहले ब्लू प्रिंट फ्री में मिला था, तो ये वाला बंडल बहुत लोगों ने लिया था। आप लोग स्कल मास्क या फिर बनी का फेस यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद में गाइस आपको आ जाना है यहां पर टी शर्ट्स के अंदर, टी शर्ट्स में आकर आपको लेनी है ये ब्लू वाली जैकेट जो कि अभी के टाइम आपको 50 FF टोकन के बदले में मिल जाएगी। तो ये वाली जैकेट इक्विप करने के बाद आपको आ जाना है पैंट में, और गाइस आपके पास जो भी ब्लू कलर की पैंट हो तो आपको वो लेनी। जैसे कि आप लोग ये वाली पैंट को देख सकते हो, ये वाली जो पैंट है इस बंडल पर कितनी ज्यादा सूट कर रही है। वैसे अगर आप लोग चाहो तो ये जो जैकेट है इसकी आप लोग पैंट भी ले सकते हो, वो भी आपको 50 FF टोकन से मिल जाएगी। इसके बाद में गाइस लास्ट में आपको आना है यहाँ पर शूज के अंदर, और शूज के अंदर आप लोग कोई व्हाइट कलर के शूज यूज कर सकते हो। वैसे शूज से इतना ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन तब भी आप लोग कोई व्हाइट कलर के शूज यूज करना। तो ये सब इक्विप करने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हो हमारा जो बंडल का फाइनल लुक है वो कुछ ऐसा आता है। तो गाइस इस बंडल का भी फाइनल लुक काफी खतरनाक आता है, और ये बंडल तो आपको ऐसा लुक देता है जिससे आप लोग फ्री फायर में बहुत ज्यादा टॉप अप करते हो, लेकिन ये पूरा ही बंडल एकदम फ्री बंडल। चलो फिर इसके बाद में हम लोग बढ़ते हमारे इस वीडियो के लास्ट बंडल की ओर, जो कि होने वाला है हमारा बंडल नंबर 1। तो गाइस नंबर 1 पर जो हमारा ड्रेस कॉम्बिनेशन है ये भी सच में काफी ज्यादा खतरनाक ड्रेस कॉम्बिनेशन है। ये वाला कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है हेयर्स के अंदर, और गाइस हेयर्स के अंदर आपको आकर लेनी है ये वाली हेड। तो गाइस ये वाली जो हेड है वो बहुत बार इवेंट्स में आपको फ्री में मिल चुकी है, तो ये वाली हेड ज्यादातर बंदों के पास होगी। ये वाली हेड को लेने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पर थोड़ा सा नीचे, और गाइस नीचे आकर आपको लेने वाले गॉगल। तो गाइस ये जो चश्मा है वो दिवाली वाले बंडल का है, तो वो भी सबके पास होगा। तो गाइस इसके बाद में आपको आ जाना है यहाँ पर जैकेट्स के अंदर, और जैकेट्स के अंदर आकर आपको लेनी है ये वाली जैकेट। तो गाइस ये वाली जो जैकेट है वो काफी बढ़िया लगती है, और गाइस ये रिसेंटली ऐड हुई थी FF टोकन के अंदर। तो गाइस इसको आप लोग 50 FF टोकन के बदले में ले सकते हो। गाइस ये वाली जैकेट आपको ले लेनी है। उसके बाद में आपको आना है यहाँ पर पैंट के अंदर, और गाइस पैंट में आकर आपको लेनी है कोई भी ब्राउन कलर की पैंट। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऑप्शन दिखा रहा हूँ गाइस, अभी मैं आपको जितनी भी पैंट पहन कर दिखा रहा हूँ इनमें से अगर आपके पास कोई भी पैंट है तो आप लोग उसको पहन सकते हो। लेकिन इस जैकेट पर जो मुझे सबसे ज्यादा सूटेबल पैंट लगी है तो गाइस वो ये वाली पैंट है, तो ये भी सबके पास होगी क्योंकि ये वाली पैंट तो स्टार्टिंग में सभी बंदों को फ्री में मिल ही जाती है। और गाइस इस बार शूज के अंदर आपके पास पूरे 2 ऑप्शन है, अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर चप्पल भी ले सकते हो, वरना अगर आपके पास शूज है तो आप लोग शूज ले लो। गाइस ये सभी चीजें पहनने के बाद हमारे ड्रेस कॉम्बिनेशन का फाइनल लुक है वो कुछ ऐसा। तो गाइस ये वाले ड्रेस कॉम्बिनेशन दिखने में काफी खतरनाक लग रहा है, और ये वाले ड्रेस कॉम्बिनेशन की मदद से आप लोग पेड़ या फिर घास में छुप सकते हो क्योंकि इस बंडल का कलर ऐसा है। बस गाइस यही थे आज के टॉप 5 फ्री ड्रेस कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री फायर। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये जो ड्रेस कॉम्बिनेशन है वो पसंद आए होंगे, तो इन ड्रेस कॉम्बिनेशन को आप लोग गेम के अंदर एक बार जरूर यूज करना। चलो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और भी ज्यादा पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी कर देना, और मैं मिलता हूँ हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।